एक पुली ब्लॉक सिस्टम है जिसमें चार पुली लगी हुई है। अगर मुझे रिलेट करना है ठीक है, बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो बहुत बेहतर तरीके से इसको सीख सकते हो। ठीक है, अब देखो स्ट्रिंग क्या, कितनी स्ट्रिंग यूज हो रही है इसमें, तो एक ही स्ट्रिंग यूज हुई है यार, तो सब में टेंशन, इसमें इसमें टेंशन टी है, तो इसमें भी टेंशन टी है, तो इसमें भी टेंशन टी है, ठीक है, और इसमें भी टेंशन टी है, और इसमें भी टेंशन टी है, ठीक है, सब में टेंशन टी है। तो अब देखो ये ए वन से इधर जा रहा है, ये ए टू से इधर जा रहा है, तो मुझे ए वन ए टू को रिलेट करना है यार, ठीक है, ए वन ए टू को रिलेट करना, तो इसमें टेंशन कितना आ जाएगा, इस पुली में टेंशन टू टी आ गया, ठीक है, तो इस यहाँ यहाँ पे जो टेंशन आ जाएगा वो टू टी आ जाएगा, और यहाँ पर भी टेंशन टू टी आ जाएगा, मतलब इस ब्लॉक पे जो टेंशन लगा वो फोर टी लग गया, टू टी इधर लगा और टू टी इधर लगा, और ये जा रहा है इधर ए वन से, ठीक है, मतलब इस ब्लॉक पे पूरा टेंशन टू टी लग गया, इस वाले ब्लॉक पे इस स्ट्रिंग में टेंशन टी है, टी है, तो यहाँ पे पुली पे टू टी आ गया, यहाँ पे टू टी आ गया, या और यहाँ पे टी आ गया, ठीक है, तो इस वाले ब्लॉक पे पूरा जो टेंशन लगा, इस वाले ब्लॉक पे टू टी यहाँ लगा, टू टी यहाँ लगा और टी यहाँ लगा, तो कुल मिला के फाइव टी लग गया, ठीक है। तो अगर मैं सिग्मा टी डाटे लगाऊं तो दो दो चार फोर टी, तो उसी डायरेक्शन में ये जा इधर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर टी ए वन और ये जा उधर रहा है, एक्सलेशन ए टू है, माइनस फाइव टी ए टू मस्ट बी इक्वल टू जीरो, समझ रहे हो ना, ये जा इधर रहा है, एक्सलेशन इधर है, कॉस वन ए टी माइनस वन, इसका मतलब ये हुआ कि ए वन इज इक्वल टू फाइव बाई फोर ए टू, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्सलेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स, ठीक है। आई एम जस्ट अप्लाइंग द सिग्मा टी डॉट ए मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, ये वाली चीज। चलो